शैतान जो भी चाहे। वो उसे ला कर देता था। पापा, 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों, जिस तरह की ओपनिंग इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मिली है, यह गारंटी हो चुकी है कि सुपरस्टार शाहरुख खान इंडियन सिनेमा को एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के सामने कल रिलीज होने वाली है पैन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार। और दोस्तों, सालार की जो एडवांस बुकिंग है वो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़ रही, बल्कि दोस्तों किसी के आपसे रुकने वाली भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तरफ डंकी और सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो वहीं दोस्तों जानने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक एनिमल के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और बात करने वाले हैं दोस्तों कि इन तीनों ही फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई किसकी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म एनिमल के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। और दोस्तों, इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना नजर आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल इकलौती ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसने कि अपने शुरुआती एक हफ्ते में ही 337 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 139 करोड़ रुपए कमाए थे। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज और एडल्ट सर्टिफिकेट के बावजूद भी दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और सिर्फ दो ही हफ्तों में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। तीसरे हफ्ते भी इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और इस फिल्म ने दोस्तों जहां अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी 34 करोड़ रुपए के वीकेंड के साथ की, तो वहीं बात की जाए वीकडेज की तो दोस्तों ये फिल्म वीकडेज में भी काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आई है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आप फिल्म ने जहां अपने 18वें दिन 5,80,00,000 रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 19वें दिन 5,50,00,000 रुपए की कमाई करके इस फिल्म ने दिखा दिया था कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। अपने 20वें दिन 5 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही इस फिल्म ने गदर 2 जैसी बड़ी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर दिया था। तो वहीं दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की आज यानी कि अपने 21वें दिन की, तो दोस्तों आज इस फिल्म की जो स्क्रीन से वो कम हो चुकी है। इस फिल्म के सामने डंकी रिलीज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों ये फिल्म आज अपने 21वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन वो 531 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 875 करोड़ रुपए कमा चुकी है और बॉलीवुड इतिहास की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर फिल्म साबित हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म सलार की एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित होने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर किसी से रुकने वाली नहीं है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि संदीप वेंगा रेड्डी के डायरेक्शन में बनने वाली सलार, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार प्रभास के अलावा श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमार और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। दोस्तों बता दें आपको कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। और दोस्तों KGF जैसी फिल्म बना चुके प्रशांत नील पर ऑडियंस का जो भरोसा है अब और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सलार के टीजर और सेकेंड ट्रेलर को देखने के बाद यह भी कंफर्म हो चुका है कि सलार इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म बन सकती है। अगर बात की जाए इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के रिलीज में अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की एडवांस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही है। कल तक ही दोस्तों इस फिल्म की एडवांस जहां 28 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म के एडवांस में जिस तरह का शानदार पिकअप देखने को मिला है वो गारंटी ले रहा है दोस्तों कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित होगी। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक की एडवांस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि सलार की एडवांस बुकिंग ऑल ओवर इंडिया में 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है। और दोस्तों शाम होते होते हो सकता है कि इस फिल्म की एडवांस 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर पार कर दे। अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म की एडवांस ने
$2 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है, यानी कि लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ये फिल्म अमेरिका से ही कमा चुकी है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म की ओवरसीज से जो टोटल एडवांस है वो 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर टोटल अभी तक 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एडवांस हासिल कर चुकी है, जो कि इंडियन सिनेमा में इस साल रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म की एडवांस में सबसे ज्यादा है। बता दे चलिए दोस्तों आपको कि इस फिल्म को लेकर जिस तरह की हाइप और क्रेज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों पर देखने को मिल रहा है, यह फिल्म अपने पहले दिन साउथ स्टेट से जहां लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए कमाएगी, तो वहीं दोस्तों हिंदी में इस फिल्म का कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहेगा। यह फिल्म अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 145 से 150 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर नंबर 1 फिल्म बन चुकी होगी और इस साल के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी होगी। आपको दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एडवांस में ही डंकी के पहले दिन के कलेक्शंस को पीछे कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डंकी जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है राजकुमार हिरानी ने। दोस्तों बताते चले आपको कि शाहरुख खान, विक्की कौशल, तापसी पन्नू और बोमन ईरानी जैसे बेहतरीन स्टार कास्ट से सजी हुई फिल्म डंकी को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान दोस्तों इस साल दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं और यही उम्मीद थी दोस्तों कि डंकी भी उनकी इस साल की तीसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर डंकी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि डंकी को ऑल ओवर इंडिया में अपने पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस हासिल हो चुकी थी। ये फिल्म दोस्तों मॉर्निंग से ही 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रही थी। दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है, विक्की कौशल का दोस्तों जो काम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। यही वजह है दोस्तों कि डंकी जो कि एक सोशल मैसेज देती हुई फिल्म है, इस फिल्म को आज फैमिली ऑडियंस एंजॉय कर रही है। यह फिल्म आज अपने पहले दिन 33 करोड़ रुपए की नेट कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, 38 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। तो वहीं दोस्तों ओवरसीज से यह फिल्म लगभग 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, यानी कि टोटल 68 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर बनने वाली है। हालांकि दोस्तों कल से इस फिल्म के सामने सलार रिलीज हो जाएगी, उसके बाद देखना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहां तक पहुंचती है। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या सलार डंकी को बॉक्स ऑफिस पर रोक पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।